सो हे गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वन प्लस की तरफ से आने वाले एक और नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। डेट मीन्स वन प्लस नॉट टू का सक्सेसर वन प्लस नॉट थ्री स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन अपने साथ कुछ डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस को कैरी करने वाला है, कुछ सॉलिड चीजें ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ये स्मार्टफोन अपने साथ क्या क्या नए नए फीचर्स लेके आ सकता है, ये स्मार्टफोन इंडिया में कब तक और किस प्राइस पॉइंट में आने वाला है, साथ ये स्मार्टफोन अपने साथ कितने नए एंड्रॉइड अपडेट्स को लेके आ सकता है। तो ऐसे ही वन प्लस के ऊपर डेली अपडेट्स पाने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। सो वन प्लस नॉट थ्री स्मार्टफोन की शुरुआत स्मार्टफोन के डिस्प्ले से करते हैं। सो स्मार्टफोन का स्क्रीन साइज 6.7 इंचेस का बिग डिस्प्ले देखने को मिलेगा। सो ये वन प्लस का डिस्प्ले है। सो कह नहीं सकते स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है, बट इस बार ही कन्फर्म्ड है, इस बार स्मार्टफोन में फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अपने साथ 120Hz की पैकेज को भी लेके आने वाला है। उसी के साथ यहाँ पे अंडर डिस्प्ले ऑप्टिमाइज फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा और इस स्मार्टफोन में HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। सो यहाँ पे ओवरऑल डिस्प्ले तो काफी धासु रहने वाला है, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस उससे भी कमाल का रहने वाला है, क्योंकि इस बारी बताया जा रहा है कि वन प्लस नॉट थ्री स्मार्टफोन में न्यू प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 7 Zen 1 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलेगा, जो कि रिसेंटली ग्लोबल लॉन्च हुआ है और हो सकता है कि पहली बार किसी स्मार्टफोन में यानी कि वन प्लस नॉट थ्री स्मार्टफोन में ये परफॉर्मेंस आपको अवेलेबल देखने को मिले। और सारे स्मार्टफोन के मुकाबले ये स्मार्टफोन में आपको काफी बेहतर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा गेमिंग के दौरान। वैसे ये स्मार्टफोन इंडिया में 35,000 to 37,000 के प्राइसिंग के नियर अबाउट लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो डेफिनेटली आप इसके थ्रू किसी भी गेम को हाई क्वालिटी में इजिली रन करके प्ले कर सकते हैं। और साथ ही जो फास्ट चार्जिंग का फीचर्स आपको वन प्लस 10R में देखने को मिला था वो यहाँ पे वन प्लस नॉट 3 में भी देखने को मिलेगा। इस वह स्मार्टफोन में 150W सुपर फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और ये वाली जो चार्जर आपको इन बॉक्स ही देखने को मिलने वाला है। और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे आपको 4500 mAh मैसिव बैटरी का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे आपको वन प्लस नॉट 3 स्मार्टफोन में मेजर अपडेट्स एंड सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक ठाक देखने को मिलने वाला है, जैसे कि वन प्लस के नॉट लाइनअप में देखने को मिलता है। इस बार स्मार्टफोन में सिक्योरिटी अपडेट्स मैक्सिमम 3 साल का देखने को मिल सकता है और जो मेजर अपडेट्स है वो अप टू 2 ईयर्स देखने को मिल सकता है। और बाकी स्मार्टफोन का कैमरा ऑब्वियसली वन प्लस नॉट 2 का रिप्लेसमेंट होगा, बट इसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इस स्मार्टफोन का मेन कैमरा 50 MP का आपको देखने को मिलेगा, जो कि सोनी IMX766 से बिल्डअप हुआ है। और यही वाली जो सोनी का सेंसर है वो बेसिकली सेंसर आपको वन प्लस 10R में देखने को मिल जाएगा, वन प्लस नॉट 2T में देखने को मिल जाएगा और वन प्लस नॉट 3 में देखने को मिल ही रहा है। वैसे ये वाला सेंसर बुरा भी नहीं है, ये एक फ्लैगशिप क्लियर सेंसर है। और साथ ही साथ यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी बात कर ले स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में। सो वन प्लस के काफी पॉपुलर ट्रिपस्टर है, इनका कहना है कि वन प्लस नॉट 3 स्मार्टफोन जुलाई के मंथ में यानी कि इसी ईयर हमारे जुलाई के मंथ में हमारे इंडिया मार्केट में ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। सिर्फ वन प्लस नॉट 3 स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि वन प्लस नॉट 3 प्रो स्मार्टफोन भी लॉन्च होने वाला है। सो गाइस यही था इस वीडियो में, और आपको इस स्मार्टफोन के ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो गाइस सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून।